कैनन का प्रहार, पुलिस से संघर्ष, टूटी बैरिकेडिंग। तस्वीरें शिमला की संजौली इलाके की है, जहां हजारों लोग मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। हंगामा बवाल की वजह से सड़क जंग का मैदान बन गया। तरह से लोग अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। जितनी भी बैरिकेडिंग थी, सारी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। देखिए, लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पे फूटा है। इस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, जिस बैरिकेडिंग पर इस वक्त मैं हूँ, इसी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। हालांकि पुलिस ने जैसे ही बल प्रयोग कर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के हालात बन गए। दरअसल शिमला पुलिस ने पहले ही धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके तहत भीड़ का जुटना गैर कानूनी है। लेकिन प्रशासन के लाख जतन के बाद भी शिमला के स्थानीय लोग अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। शांतिपूर्ण माने जाने वाले शिमला के लोगों के मन में इतना गुस्सा भरा था कि बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के ही हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखकर पुलिस ने बल प्रयोग कर आंदोलन खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के इस दाव से प्रदर्शनकारी और भड़क गए। लाठी चार्ज कर रहे हैं, जेंट्स को दो दो मारे, महिलाओं को चार चार मार रहे हैं। शासन प्रशासन जो है आज इस तरह से लाठी डंडे लेके आम लोगों पे उतारू हुआ है। यहाँ पर सारा हिंदू समाज जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन चलाए, लेकिन सरकार की सुस्ती से नाराज जनता पर पुलिस के इन हथकंडों का कोई असर नहीं है। वाटर कैनन की धार फेल हो गई, पुलिस की लाठियां नाकाम हो गई। लोगों ने शिमला पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग तोड़ डाले। तो अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर के लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन इस बीच संजौली से तस्वीरें दिखा रहे हैं तो एक पार जहां पे आपको लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के उस पार भी जो लोगों का जुटना अब शुरू हो गया है। यहां पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बैरिकेडिंग के इस पार जो है, जो कि ढली टनल से आगे संजौली चौक तक ये रास्ता जाता है, यहां पर तो लोग एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं। लेकिन ये जो पीछे बैरिकेडिंग आपको मेरे कैमरा मैन दिखा रहे होंगे, इस बैरिकेडिंग से उधर भी जो है लोगों का जुटना शुरू गया है। और लोग कह रहे हैं कि वहां पे भी, क्योंकि वो इलाका जो है वहां से छोटा शिमला और साथ ही साथ जो मॉल रोड है, मॉल रोड से होकर के वो संजौली चौक तक वो रास्ता पहुंचता है, साथ ही कुसुमती से भी वो रास्ता जो है वो रास्ता उस चौक को जोड़ता है। तो उन दोनों इलाके से जो लोग हैं वो वहां से इस चौक पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधे लोग जो है वो बैरिकेडिंग के उस पार है और आधे लोग जो है वो इस पार है, लेकिन पुलिस लगातार दोनों तरफ पूरी तरह से डटी हुई है। दोनों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग हो रही है और किसी को भी देखिए अब जो है बैरिकेडिंग से उस पार जाने नहीं दिया जा रहा है। जी, क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन बहुत गलत कर रहा है। आप लोग क्या वहाँ पर भी आप देख सकते हो मैम किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है, किस तरह से पानी बरसा जा रहा है। हम अभी दूसरी तरफ भी जो लोग हैं, क्या वहाँ पे भी लाठी चार्ज हो रहा है? वहाँ तो हमने देखा नहीं मैम, हम यहाँ से ही नहीं जा पा रहे, वहाँ कैसे देख पाएंगे। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था हमारा, जिस हिसाब से आपने देखा हुआ है। अगर यहाँ के स्थानीय लोग कोई भी अवैध निर्माण करते हैं तो उसको सरकार तुरंत ही तोड़ देती है। अभी लोकल आदमी ने, कुछ लोगों ने मलयाना से, तो देखिए यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि स्थानीय लोग जब अवैध निर्माण करती हैं तो उसे तोड़ दिया जाता है, तो इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि देखिए कोर्ट में ये मामला लंबित है, कोर्ट में जो है 5 तारीख की तारीख जो है कोर्ट ने मुकम्मल की है, 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच यहाँ पे संगठन के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे लोग नजर आ रहे होंगे। लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार भी जो जानकारी मिल रही है, लोग जो है वो भी वहाँ पे जुटे हुए हैं और वो जो लोग हैं वो माल रोड होकर के उस चौक पर पहुंचे हैं, चौक से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुसुमती से जो लोग हैं वो भी वहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण बना हुआ है। देखिए यहाँ पर लोग जो है नीचे आने नहीं दे रहे, पुलिस वाले हमारे ऊपर डंडा लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे आपके और भी साथी है जो कि उस संजौली चौक की उस साइड है, संजौली चौक पे आने के लिए हमारे ऊपर डंडा लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमारे डिप्टी मेयर हैं, डिप्टी मेयर आप क्या बोलना चाहते हैं? जनमानस का आक्रोश आप देख रहे हैं और शांति प्रिय लोगों के ऊपर लाठी चार्ज और पानी की बुछारे क्यों?
सबसे बड़ा प्रश्न ये चलता है, जब हम लोग कानून का साथ देने को तैयार हैं तो कानून हमारे पर डंडा क्यों चला रहा है? क्या सरकार इतनी बेबस हो गई है? प्रश्न ये उठता है। और जहाँ पे मुसलमान है नहीं वहाँ पे मस्जिद का काम क्या? सोचते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट ये बोलता है कि जहाँ पे 40 घर होते हैं वहाँ पे मस्जिद की आवश्यकता है, परंतु यहाँ पे 40 घर कोई नहीं है, सिर्फ प्रवासी मजदूर जो यहाँ के शहर के लोगों का वातावरण खराब कर रहे हैं। शहर तो इस पूरे मामले को लेकर के लोगों की मांग क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ अपडेट है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। लाठी चार्ज, भगदड़, वाटर कैनन का प्रहार, पुलिस से संघर्ष, टूटी बैरिकेडिंग। तस्वीरें शिमला की संजौली इलाके की है, जहां हजारों लोग मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। हंगामा बवाल की वजह से सड़क जंग का मैदान बन गया। तरह से लोग अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, जितनी भी बैरिकेडिंग थी सारी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। देखिए लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पे फूटा है, इस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, जिस बैरिकेडिंग पर इस वक्त मैं हूँ इसी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। हालांकि पुलिस ने जैसे ही बल प्रयोग कर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के हालात बन गए। दरअसल शिमला पुलिस ने पहले ही धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके तहत भीड़ का जुटना गैर कानूनी है, लेकिन प्रशासन के लाख जतन के बाद भी शिमला के स्थानीय लोग अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। शांतिपूर्ण माने जाने वाले शिमला के लोगों के मन में इतना गुस्सा भरा था कि बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के ही हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखकर पुलिस ने बल प्रयोग कर आंदोलन खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के इस दाव से प्रदर्शनकारी और भड़क गए। लाठी चार्ज कर रहे हैं, जेंट्स को दो दो मारे, महिलाओं को चार चार मार रहे हैं। शासन प्रशासन जो है आज इस तरह से लाठी डंडे लेके आम लोगों पे उतारू हुआ है। यहाँ पर सारा हिंदू समाज जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन चलाए, लेकिन सरकार की सुस्ती से नाराज जनता पर पुलिस के इन हथकंडों का कोई असर नहीं है। वाटर कैनन की धार फेल हो गई, पुलिस की लाठियां नाकाम हो गई, लोगों ने शिमला पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग तोड़ डाले।